नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश है। आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा, कौन कौन किस दल से मंत्री बनेंगे, इसको लेकर फिलहाल राजनीतिक गलियारों में चर्चा काफी तेजी से हो रही है। तेजस्वी यादव से मिलने आरजेडी के विधायक राबड़ी आवास पहुंच रहे हैं। कई नामों की चर्चा है, कई लोग मंत्री बनने की रेस में हैं, लेकिन तेजस्वी यादव इस बार सब कुछ साफ करके देखना चाहते हैं। साफ झलकता हुआ वो चेहरा देखना चाहते हैं जिस पर कोई भी आरोप न लगा हो। लालू यादव भी कल पटना रहे हैं और कल रात में ही स्पष्ट हो जाएगा कि कौन कौन मंत्री बन रहे हैं। हालांकि 16 अगस्त को जो है वो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, मंत्रिमंडल का गठन होगा, लेकिन आरजेडी के कोटे में हमने आपको बताया कि 17 से 18 सीटें आ सकती है। इस पर किन नामों की दावेदारी है, पहले आपको सीधे वो दिखाते हैं। देखिए, ये आरजेडी के ओर से जो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा है उसमें वो नाम आपको दिखा रहे हैं जो सबसे आगे है। देखिए, कई नामों की चर्चा है। सबसे पहला नाम लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव का है। ये तेज प्रताप यादव का नाम सबसे पहला है। दूसरा नाम है भाई वीरेंद्र का। भाई वीरेंद्र जो कि आरजेडी के विधायक हैं, मुख्य प्रवक्ता हैं। सुनील सिंह, देखिए आरजेडी कोटे से एमएलसी हैं। आलोक कुमार मेहता पार्टी के प्रधान महासचिव हैं। ललित यादव ये भी दरभंगा ग्रामीण के विधायक हैं और बिहार विधानसभा में विपक्ष के रूप सचेतक के रूप में थे। अनीता देवी देखिए आरजेडी कोटे से मंत्री बनने जा रही हैं और महिला हैं और खूब गरजती है सदन में। अनीता देवी भी मंत्री बन सकती है। अनिल साहनी का नाम सामने आया है, अनिल साहनी भी मंत्री के रेस में हैं। जितेंद्र राय ये छपरा के इलाके से आते हैं और ये भी मंत्री के रेस में हैं। चंद्रशेखर मधेपुरा से विधायक हैं, ये भी मंत्रिमंडल में शामिल होने जा रहे हैं। देखिए भारत भूषण मंडल नाम रेस में है। आगे शाहनवाज नाम रेस में है, आरजेडी के हैं। समीर महासेठ जो आरजेडी में कह सकते हैं कि अच्छे कद पे हैं और पार्टी के विधायक भी हैं, वो भी मंत्रिमंडल के रेस में है। वीना सिंह ये भी मंत्री बन सकती है आरजेडी के कोटे से। रणविजय साहू, तेजस्वी यादव के पास इनका भी नाम पहुंचा और ये मंत्री की रेस में काफी आगे हैं। अख्तरुल इस्लाम साहिन ये भी मंत्री के रेस में आगे हैं। सुरेंद्र राम, आज सुरेंद्र राम ने तो तेजस्वी यादव से मुलाकात भी किया है। केदार सिंह मंत्री बन सकते हैं। बच्चा पांडे, तेजस्वी इन्हें साथ लेकर चलना चाहते हैं। राहुल तिवारी शिवानंद तिवारी के लड़के हैं, आरजेडी के विधायक हैं। कार्तिक मास्टर अनंत सिंह के खास कहे जाते हैं और आरजेडी के विधान पार्षद हैं। सौरभ कुमार आरजेडी के कोटे से, इस बार वो एमएलसी का जो चुनाव हुआ था उस चुनाव में वो जीते हैं पश्चिमी चंपारण सीट से और ये भी जा सकते हैं। और ये वो नाम है जो तेजस्वी यादव का A to Z समीकरण वाला है। तमाम जाति के लोगों को साथ रखकर तेजस्वी यादव चलना चाहते हैं, जिसमें मुस्लिम भी हैं, यादव भी हैं, भूमिहार भी हैं, राजपूत भी होंगे, ब्राह्मण भी होंगे और साथ ही साथ दलित महादलितों की भी संख्या अच्छी खासी होगी। लिहाजा तेजस्वी यादव इस बार एक रणनीति बना रहे हैं A to Z की। लालू यादव पटना आ रहे हैं, अंतिम फैसला लालू यादव को करना है। ये रेस में लोग हैं। देखिए समीम अहमद का भी नाम शामिल है जो नरकटिया से विधायक हैं और एक बेहतर छवि वाले नेता के रूप में उनकी पहचान होती है। समीम अहमद भी मंत्री के रेस में हैं। बहरहाल लालू यादव पटना आएंगे, कल मुहर लगाएंगे, तेजस्वी फैसला सुनाएंगे। फिलहाल अपने बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।